हेलो दोस्तों, मैं योगेश त्रिपाठी नारायणा एकेडमी से आज आपका स्वागत करते हैं। आज हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्कस करते हैं वो वाला क्वेश्चन जिसमें हमको दो बार कॉस्ट प्राइस और दो बार सेलिंग प्राइस मानना पड़ता है। सबसे पहले तो समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस में हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है। जैसे ये एक मार्कर है, इसका जो प्राइस है ये 10 रुपये, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये। अगर हमने पूछा कि इस पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम ये तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हमको इसका कॉस्ट प्राइस ना पता हो। देखिए, इसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए और इसको बेचा गया 12 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। और अगर इसको हम परसेंटेज में पूछे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी 2/10, 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। तो सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में, एयरफोर्स में, नेवी में, हर तरीके के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो देखिए, हमको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस क्या मानना है, 100 रुपए, यानी 100 रुपए की उसने चीज खरीदी। अगली लाइन कह रहा है वह इसे 10% हानि पर बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया? 90 रुपए। अब उसने जो सेकंड स्टेप बोला कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, 20% कम पर खरीदता तो कॉस्ट प्राइस क्या होता? 80 रुपए होता। और 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, यानी इस 80 पर उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो देखिए, 80 का 40%, यानी 80 × 140/100, ये कितना हो गया? 14 × 8 करेंगे तो इसका नया सेलिंग प्राइस हो गया 112 रुपए। तो देखिए, एक बार सेलिंग प्राइस है हमारा 90 रुपए, एक बार है 112 रुपए। दोनों सेलिंग प्राइस का हम कंपेयर करा देते हैं, 112 और 90 में डिफरेंस है हमारा 22 रुपए का। यही 22 रुपए बराबर दिया हुआ है 55 रुपए। अगर 22 रुपए बराबर 55 रुपए है तो एक बराबर आ जाएगा 2.5। 22 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू क्या है? 2.5। हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था? 100 रुपए। 100 × 2.5 करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो कितना है? 250 रुपए। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपए, उसने 10% हानि पर बेच दिया, सेलिंग प्राइस हुआ 90 रुपए। अब अगली लाइन कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपए होता, और 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, यानी 80 का 40% हमारा आ गया 112 रुपए। एक बार सेलिंग प्राइस 90 रुपए है, एक बार 112 रुपए है, दोनों में डिफरेंस कितना का? 22 का। यही 22 बराबर दिया है 55 रुपए, तो 1 = 250 रुपए, तो 100 = 250 रुपए। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आप दूसरा देखिए, दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता तथा 6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 18 × 3/4% का लाभ होता, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहला वही काम, हमने कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 110, यानी 10% प्रॉफिट पे बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया 110 रुपए। अगली लाइन कह रहा है कि यदि वह इसे 4% कम पे खरीदता, यानी CP होता हमारा 96 रुपए, और 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 × 3/4% का लाभ होता। 18 × 3/4 इसको हम लिख सकते हैं 75/4। 18 × 3/4 को हम लिख सकते हैं 75/4। 75 में 18 का जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो इसका हम परसेंट निकालेंगे तो 75, ये हमारा 18 × 3/4 है, 75/4। 75/4, और ये कह रहा है कि इसने खरीदा कितने में था? 96 में। तो 96 में खरीदा, 75/4 के प्रॉफिट पे बेच दिया, इसका प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला तो ये 3 बार चला गया, ये 4 बार चला गया, 4 × 4 = 16, 16 का भाग 96 में दिया 6 × 6 = 18, 18 रुपए अधिक में बेच दिया, 96 का उसने खरीदा और 18 रुपए अधिक में बेच दिया, तो नया सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 114 रुपए। देखिए, दोनों SP का हम
कंपेयर कराते हैं 114 और 110 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। यही 4 बराबर हमारा दिया हुआ है 6 रुपए, तो 1 बराबर आ गया हमारा 1.5। 1.5 इंटू 100 कितना हो गया, 150 रुपये। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 150 रुपये। एक बार फिर समझ लीजिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस अगर हमने 100 माना तो सेलिंग प्राइस हो गया 110। अब अगर वह उस पुस्तक को 4% कम पे खरीदता, कॉस्ट प्राइस 96 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 100, तो उसको 18 से 3/4% का लाभ होता। तो 18 से 3/4 होता है 75/4, 96 × 75/4 / 100, ये हमारा हो गया 18 रुपए। 96 रुपए की चीज 18 रुपए अधिक पे गई तो 114 की गई। 114 और 110 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। यही 4% की वैल्यू 6 रुपए, तो 1% की वैल्यू 1.5 रुपए, तो 1.5 × 100 150। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।